तो भरूचना जानेश्वर रोड पर आवेल श्रीनिकेतन प्लाजा शॉपिंग सेंटर में सुंदरम ज्वेलर्स में लूंटनो निष्फळ प्रयास थयो हतो। घटना की जाण थता पोलीसे गणतरीना कलाकों में ज आरोपी ने झड़पी पाड़ी आगळनी कार्यवाही हाथ धरी छे। जाडेश्वर रोड पर बहार श्रीनिकेतन शॉपिंग सेंटर में ज्वेलर्स की बुमराड़ और त्रण आरोपी नाशभाग वच्चे जोतजोता में टोळी टोळा भेगा थई गया। घटना की जाण थता ज पोलीस स्थल पर तात्कालिक दौड़ी आवी हती। त्रण लूंटाराओ साथे जैकेट पहेरी ने आवेल एक लूंटाराओ ने पोलीसे तुलसीधाम नजीक थी झड़पी लई तेनी पूछपरछ हाथ धरी हती। जो के लूंटना आ प्रयास की तमाम गतिविधियों सीसीटीवी कैमरा में कैद पण थई हती। आ लूंटनी घटना ने अंजाम आपवा बिहार थी बे सागरितो ने बोलावामां आव्या हता। 21 वर्षीय चंदन कुमार सुभाष कुशवाह अने मुकेश कुमार सोनी ने बुलावी वागरा वड़दला गामे रूम भाड़े अपावी हती। तेओ ए लूंट माटे भरूचना भोलाव स्थित एसटी डेपो पासे थी रुपया 1,00,000 नी अपाची बाइक चोरी साथे जे बाद चाइनीज बनावट नी नकली पिस्तौल चप्पू ना जोरे लूंट करवा त्रणे जाडेश्वर सुंदरम ज्वेलर्स ने त्यां आव्या हता। जो के समसूचकता ने अने बहादुरी ने कारणे लूंटनो खेल ऊंधो पड्यो। त्रणे लूंटारो घटना स्थले थी फरार थई जवा पाम्या हता, परंतु जागृत लोकोनी सतर्कता अने सी डिविजन पोलीस डी स्टाफ सहितनी समय सूचकता थी एक आरोपी स्थल नजीक थी ज्यारे एक अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन अने त्रीजो भरूचना श्रवण चौकड़ी खाते थी मात्र 2.5 कलाक में झड़पाई जवा पाम्या हता। झड़पायेला एक आरोपी ने विदेश में कोई कंपनी में तेनी नौकरी नक्की थी जता दहेजनी बिल्ला ग्रामीण कंपनी में थी वर्ष 2021 में प्रोडक्शन मैनेजर पदे थी राजीनामु आप्यु हतु, जे थी ते कंपनी में 2 महीना नोटिस पीरियड पर काम करतु हतु अने विदेश जवा प्रयत्न कर रह्यो हतो। लॉकडाउन ने लीधे मैनेजर तरीके फरज बजावतो अने भरूच में हाल अभ्योदय हाइट्स में रहते अमन कुमार कोरोना ने कारणे विदेश जई शक्यो न हतो, जेथी ते आर्थिक भीसमां आवी जता अने साथे विदेश जवा माटे मूड़ी भेगी करवा माटे जाडेश्वरमां वार त्यौहारे सोनू खरीदवा सुंदरम ज्वेलर्समां जतो, जेथी तेनी लूंटनो प्लान घड़ी काढ्यो हतो। भरूच जिल्ला पोलीसने आ कामगीरीनी गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवीए पण सराहनता करी अने आ अंगे भरूच जिल्ला ASP विकास सुंडाए पत्रकार परिषद योजी सी डिविजन सहित जिल्ला पोलीसने बे जागृत लोकोने कामगीरी ने बिरदावी, जेमां बन्ने जागृत नागरिकनुं सन्मान करवानी पण भरूच जिल्ला पोलीस वडा SP राजेन्द्र सिंह चुडासमाए जाहेरात करी। त्रणे आरोपीओने धरपकड़ साथे तेमनी पासेथी 3 मोबाइल चोरीनी 1 बाइक चप्पू अने चाइनीज पिस्तौल कब्जे लई पोलीसने आगळनी कार्यवाही हाथ धरी छे। मारा नाम गोरीसिंह सोनी छे, मारी दुकाननुं नाम सुंदरम ज्वेलर्स छे। मैं दुकान पर बैठा तो एक मानस आया दुकान अंदर कि मैंने चेन बताओ, तो मैं चेन बताओ कि तो मैं मारे छोकरा ने फोन करियो, फोन करता पानी मैंने मारा मूडो दबाई दियो, मूडो दबाई ने मैंने जी पटक दियो, पटक ने पे मैं बूमा बूम करी देव थी भागी गई बाहर। ने पहले भाई पिस्तौल है, पिस्तौल बताई मैंने, पे भाई जाता रिया। हाँ पे मैं बूमा करता मैं रोड पर गए बड़ी पब्लिक भेगी थी गई त्या। कुल कितना जना था? आज रोज दोपहर में 12:30 बजे के आसपास जाडेश्वर स्थित सुंदरम ज्वेलर्स में 3 लोगों ने ग्राहक बनकर सोने चांदी की लूट का प्रयास किया। जैसी सूचनाएं सामने आई उसके अनुसार एक व्यक्ति ने जो वहां पे शॉपकीपर था उसके मुंह को दबाकर उसको काउंटर पे धकेला, दूसरे व्यक्ति ने चाकू जैसा धारदार हथियार निकाला और तीसरे ने एक पिस्टल जैसा हथियार निकाला और सोने चांदी की लूट करने का प्रयास किया। ये एक अत्यंत गंभीर और संगीन मामला था। जैसे ही सूचना मिली वैसे ही वहाँ पर सी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में योग्य कलमों के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया गया। संपूर्ण ज़िले में नाकाबंदी करवा दी गई, आसपास के ज़िलों में भी सूचना दे दी गई, नाकाबंदी करवाई गई और स्टेट कंट्रोल रूम को भी सूचना देकर रेड अलर्ट जारी करवाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों आरोपी शॉपकीपर के द्वारा संघर्ष करने पर और शोर करने के चलते वहां से फरार हो गए। इस रेड अलर्ट के चलते और भरूच जिले पुलिस की तमाम टीमें LCB, SOG, ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न, अंकलेश्वर सिटी, ऐसे करके भरूच की तमाम
पुलिस स्टेशनों में नाकाबंदी की गई और तमाम टीमों को सक्रिय किया गया। स्थानिक लोगों के सहयोग से और पुलिस की जागरूकता के चलते एक व्यक्ति को बनाव स्थल से पकड़ा गया तथा अन्य दो व्यक्तियों को भी 12:30 से 2:15 तक चलाए गए ऑपरेशन में, जो कि ऑपरेशन 1 घंटा 45 मिनट चला, अन्य दो व्यक्तियों की भी धरपकड़ करने में भरूच पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। इसमें से एक व्यक्ति को अंकलेश्वर सिटी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई तथा दूसरे व्यक्ति को श्रवण चौकड़ी से गिरफ्तार किया गया। जिन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम इस प्रकार हैं। जो इस गुनाह का मास्टरमाइंड है उसका नाम है अमन सिंह राजपूत, जो कि बिहार के मूलतः सिवान का रहने वाला है और भरूच में 2015 से रह रहा है। भरूच में उसका स्थानीय पता है अभ्युदय सोसाइटी में फ्लैट B3304। जो अन्य दो आरोपी हैं उसका नाम है मुकेश कुमार सोनी, जिसकी उम्र 27 साल है, वह भरूच में वडदला में रहता है और मूलतः गोपालगंज बिहार का है। तीसरा जो आरोपी है उसका नाम है चंदन कुमार खुशवाहा, यह मूलतः सिवान का रहने वाला है और यह भी वर्तमान में भरूच में वडदला में रहता है। इन तीनों आरोपियों से जो मुद्दा माल बरामद किया गया वो है एक अपाचे मोटरसाइकिल जो कि चोरी की है, 3 मोबाइल फ़ोन, चप्पू जैसा धारदार हथियार और एक बनावटी पिस्टल जो कि बनावटी हथियार है। यह मुद्दा माल की कुल कीमत लगभग 1,16,000 होती है जो इनसे बरामद किया गया। जो गुनाह को इन लोगों ने जो अंजाम दिया वो उसका कुछ वो इस प्रकार है। इसका जो मुख्यतः मास्टरमाइंड है अमन सिंह राजपूत, वह 2015 से भरूच में विभिन्न कंपनियों में काम करता है और एक मैनेजर के पद पे यह काम करता है। 2021 में यह ग्रासिम में मैनेजर प्रोडक्शन हेड के तरीके से काम करता है। विदेश में किसी कंपनी में अप्लाई करने के इसने अप्लाई किया और उसके चलते इस कंपनी से उसने इस्तीफा दे दिया, परंतु कोरोना महामारी के चलते वह विदेश नहीं जा पाया और वह वर्तमान में पिछले 2 महीने से नोटिस पीरियड पे था। आर्थिक तंगी, जैसा कि उसने तहकीकात में कबूल किया कि आर्थिक तंगी के चलते उसने अपने इन दो सहयोगियों को बिहार से बुलाया, एक सिवान से और एक गोपालगंज बिहार से, और इन दोनों को 1.5 महीने पहले उसने वडदला स्थित किसी किराए के घर में रखा। 1.5 महीने से इसका सुंदरम ज्वेलर्स में आना जाना लगा था और इन्होंने सुंदरम ज्वेलर्स को इसीलिए टारगेट किया। इस गुनाह में इन्होंने एक अपाचे मोटरसाइकिल चोरी की, जिसके लिए तपास करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि भोला वेस्टी डेपो के सामने से यह मोटरसाइकिल चोरी की गई थी। इस मोटरसाइकिल का उपयोग करते हुए इन तीनों व्यक्तियों ने आज इस गुनाह को अंजाम देने की कोशिश की, जिसमें भरूच पुलिस को स्थानिक लोगों के सहयोग से एवं टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इस गुनाह को गिनती के कलाक में, मतलब कि 1 घंटे 45 मिनट में तीनों आरोपियों की धरपकड़ करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही साथ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस गुनाह में जिन स्थानिक नागरिकों के द्वारा पुलिस को सहयोग दिया गया उन स्थानिक नागरिकों का योग्य समय पर भरूच जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा सम्मान किया जाएगा। भरूच पुलिस भरूच की जनता की सुरक्षा के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए समर्पित है और हम कटिबद्ध। जीतुराना साथ है लाइव 24 न्यूज़ भरूच।